Hello everyone, welcome back to my channel Hashita Education. Today, in this video, we are going to start our poem 6th, that is Mystery of the Talking Fan, which is written by Maude Rubin from Class 7th English Honeycomb NCRT syllabus. And in this video, I will tell you the summary of the poem in Hindi. Okay, so let's start. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? क्या अभी आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आपके रूम में सीलिंग फ़ैन है सीलिंग फ़ैन क्या होता है सीलिंग फ़ैन मतलब जो फ़ैन हमारे ऊपर होता है सर के ऊपर जो चलता है ओके okay? उसको हम सीलिंग फ़ैन बोलते हैं इज़ द फ़ैन क्वाइट और नॉइजी तो जो पोएट है वो आपसे पूछ रहे हैं जो पंखा आपके ऊपर चल रहा है जो आपके रूम में है क्या वो क्वाइट है कि नॉइजी है क्वाइट मतलब क्या वो अच्छे से चलता है बिना आवाज़ के चलता है या फिर वो नॉइजी है यानी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड तो पोए जब भी हमें ये बता रहे हैं कि अगर वो फैन नॉइज़ करता है यानी आवाज़ करता है तो वो आप कह सकते हो एक डिस्टेंट रिलेटिव है जिस टॉकिंग फैन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो उसका एक फार अवे रिलेटिव हो सकता है नाउ लेट्स रिसाइड द पोएम वंस दे वॉज

जो पंखा है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था ठीक है तो कवि को ये समझ ही नहीं आया कि उसमें क्या खराबी हुई है और ये जो पंखा है ये क्या कहना चाहता है मतलब ये जो इतनी आवाज़ कर रहा है चार्टर मतलब ये जो इतना ज़्यादा बोल बोल कर रहा है आवाज़ कर रहा है तो वो क्या बताना चाह रहा है तो एक दिन उसने क्या किया क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो एक इलेक्ट्रीशियन को वो बुला कर लेकर आया अपने घर पर अब जैसे ही इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे आया तो उस पंखे ने मतलब उस इलेक्ट्रिशियन ने उस पंखे को कुछ किया लाइक उसको ऑयलिंग वॉइलिंग करी ठीक है तो जो पंखा था उसने शोर करना बं, बंद कर दिया और जो उसके अंदर की घूमती हुई जो मोटर थी उसमें उस इलेक्ट्रिशियन ने तेल डाला था इसलिए उसने शोर करना बंद कर दिया बहुत ही अच्छे से चलने लग गया अब जो पंखा है वो बहुत आराम से चुपचाप से चलने लगा अच्छे से चलने लगा ओके तो इस तरह क्या हुआ जो ये मिस्ट्री थी एक जो रहस्य था इस पंखे की वो जो डिमांड थी वो एकदम पूरी हो गई तो यहाँ पे जो ये आ, आपको इस चैप्ट मतलब पोएम का जो हेडिंग दिया है मिस्ट्री मिस्ट्री मतलब रहस्य अब ये टॉकिंग फैन टॉकिंग फैन मतलब जो बोलता हुआ पंखा है वो पंखा हमको क्या बताना चाह रहा है उसका क्या रहस्य है तो ये था कि भाई मैं ख़राब हूँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो भाई मुझे ठीक करो इस तरह से वो पोएट को बताना चाह रहा था पोएट जो है वो कैसे समझ सकते इस बात को तो वो तो इलेक्ट्रीशियन ही समझ सकता है ना तो इस तरह से उस इलेक्ट्रिशियन ने आके उस पंखे को ठीक किया ऑयलिंग करी और वो बहुत ही अच्छे से चलने का लगा ओके okay? तो यहाँ पे हमारा जो समरी है वो ओवर हो चुका है होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बट यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं जैसे यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं तो राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको कई बार बताया है जिसमें साउंड जो है वो हमको सेम सुनाई देता है बट जो वर्ड्स हैं मीनिंग्स है वो डिफर करते हैं तो यहाँ पे देखें फर्स्ट राइमिंग वर्ड है चैटर चैटर एंड मैटर ओके सो दिज आर द राइमिंग वर्ड्स नेक्स्ट आप देखें ऑयल्ड स्पॉइल्ड दिज आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देते देख लेते हैं इसके मीनिंग के साथ तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से संबंधित ओके चैटर चैटर को हम बोल सकते हैं टू मरमर टू मरमर मतलब यहाँ मरना नहीं है यहाँ पे मरमर का मतलब है बकबक बक करना ओके okay? नेक्स्ट इज वर्लिंग वर्लिंग मीनस होता है रोटेटिंग यानी कि की चक्कर काटना ओके मिस्ट्री मिस्ट्री मतलब सीक्रेट रहस्य जिसे आप कह सकते हो हम लोग काफ़ी मिस्ट्री सीक्रेट्स वगैरह रखते हैं ना तो यहाँ पे ये फैन का मिस्ट्री ये बता रहे हैं स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड का मतलब होता है एंडेड यानी कि कोई चीज खत्म हो जानी ओके okay? खत्म हो गया नेक्स्ट इज स्टिल स्टिल मतलब नॉइसलेस और या फिर आप कह सकते हो क्वाइट जिसका मतलब है शांत सो so, uh, तो समो ओवर राइमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो ओवर एंड डिफिकल्ट वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग आर ऑल्सो ओवर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है uh, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक तो बनता है एंड uh, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना भी ना भूलें ओके बाय बाय